हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इसको क्लीन कर रही हूँ और इस टब के बारे में सभी ने बहुत पूछा है कि ये टब कैसे बनाया, तो मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगी। बर्ड्स की पूछ रहे थे, तो देखो ये बर्ड एक ये आ रखी है, एक बर्ड ये आ रखी है यहाँ पर, ये रही, और दो ब्लूम आज हुई है, एक ब्लू और कोलोराडो भी ब्लूम हुई है, वो हमने देख नहीं पाई, सुबह ब्लूम हुई, अभी तो फ्लावर क्लोज हो गया है, ये फिर मैं दिखाऊंगी आपको। मेरी इस टब के बारे में बहुत लोग पूछते हैं, कुछ नहीं, नॉर्मली सा एक टैंक है कूलर का, जो 6 फीट का कूलर आते हैं उनकी एक टैंकी है ये। तो ऐसा हुआ था, जब मैंने फर्स्ट टाइम वाटर लिली मंगाई थी तो मेरे पास जगह नहीं थी कहीं पर लगाने को, तो मैंने कुछ दिन के लिए इसमें डाला था, तो उसमें मेरी वाटर लिली अच्छी तरह से ग्रो करने लग गई, तो फिर मैंने इसी में ही रहने दिया। वैसे ये सफिशेंट नहीं है, पर अगर आपकी आप ग्रो कर सकते हैं तो आप ग्रो कर ले, पर मैं तो सोचती हूँ थोड़ी सी हाइट अच्छी हो, तो इसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है वाटर लिली ग्रो करने के लिए, पर फिर भी मेरी वाटर लिली इसमें अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। मैं इसे भी साफ़ कर रही हूँ। लोग बार बार पूछते हैं अपना वो पॉन्ड है जो छोटा सा आपने बनाया वो दिखाइए, तो वो मैंने मजबूरी में बनाया था फ्रेंड्स, पर वो मेरा काम कर गया तो इसलिए मैंने इसे छोड़ा नहीं है। वैसे मैंने टब भी अरेंज कर रखी है, पर मेरे पास काफ़ी वराइटीज है लिली की, तो इसलिए मैं इसमें भी रख रही हूँ। मैंने ये जो केन को काट कर छोटे छोटे पॉट बनाए हुए थे, मैंने ये 15 लीटर की केन है फॉर्चून की, उसे काट कर देख सकते हैं, मैंने ये बनाया हुआ है और उसमें ये बर्ड आ रही है, और एक ब्लूमिंग हो चुकी थी इसके अंदर, मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि ये टूट गया साफ करते हुए, और ये बर्ड यहाँ भी आ रही है, आप देख सकते हैं ये रही अच्छी एक बर्ड, ये देखो ये रही तो ये अच्छी तरह से ग्रो कर जाती है। इसमें ये भी कट करके मैंने बनाया हुआ है, ज़रूरी नहीं है आप महंगे पॉट लें उसमें लगाएं, आपके पास जो भी चीज़ है आप उससे भी लगा सकते हैं, उसके लिए बस काफ़ी जगह होनी चाहिए पौधे को ग्रो करने के लिए, तो ये इसके लिए काफ़ी जगह है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, और इसमें हार्डी जो है वो तो बड़ी अच्छी तरीके से ग्रो करती है। अभी मैंने टब साफ़ करने से पहले इन्हें निकाल लिया था और फिशेज निकाल ली थी सबसे पहले, अब मैं इन्हें साफ़ करके इन्हें भी टब में रखने जा रही हूँ। मैंने इसके अंदर टब रख पॉट रख दिए हैं, कई सारे इसमें पॉट बन जाते हैं, इसलिए मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, और टब होते हुए भी मैं इसमें प्लांट ग्रो कर रही हूँ, उसका कारण भी यही है कि प्लांट अच्छी तरह से चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं भी सोचती हूँ कि ठीक है अगर चल रहा है तो बढ़िया ही है, अच्छा ही है, तो मैं इसे हटाती नहीं हूँ और इसी में ही प्लांट ग्रो कर रही हूँ, टब में भी कर रही हूँ, टब भी अलग से और भी है मेरे पास, ऐसे प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं, कई सारे प्लांट ग्रो हो जाते हैं एक साथ और अच्छे भी रहते हैं। वैसे तो हाइट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कम से कम 12 इंच का होना चाहिए, कम से कम 8 इंच का उसमें पॉट डिप हो जाए, इतना पानी होना चाहिए, पर मेरा छोटा है थोड़ा सा। चलो मैं अब आपको फिश दिखाती हूँ, मैं फिशेज में डाल रही हूँ, ये फिशेज हैं मैंने डाल रही हूँ, मैंने इन्हें निकाल लिया था पहले, इसमें बच्चे भी हैं, इतने सारे हैं, बच्चे भी हैं, बड़ी फिश भी हैं, एक फिश ये मुझे नहीं लगता जिंदा है कि पता नहीं, ये देखूंगी फिर बाद इसको, अभी थोड़ा लग तो रही है, फिर देखती हूँ थोड़ी देर बाद इसे। चलती हैं ये डालते हुए और निकालते समय टब में से, वैसे तो सही रहती है, वैसे पानी से बाहर आने की कोशिश नहीं करती। मैं फिश फूड भी इसमें डालती हूँ कभी कभी, और ये देख सकते हैं कितनी कलरफुल, ये मिक्स ब्रीड हो गई है व्हाइट और ब्लैक मॉली की, और ये फिश बहुत पुरानी है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है ये वाली फिश,
बहुत बड़ी फिश है। आप देख सकते हैं कि ये मैंने पॉन्ड जो अपना था, ये टब जो मैंने वहाँ से, धूप बहुत आ रही थी अभी तो मैंने इसलिए यहाँ शिफ्ट कर दिया। यहाँ धूप कम आती है और छाया हो जाती है जल्दी, तो 5-6 घंटे की धूप तो मिलेगी ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा धूप में ये देखिए पत्तियाँ बर्न होने लग गई, ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। लोग ये कह रहे हैं कि पत्तियों के बारे में बताइए, पत्तियाँ डैमेज, तो आप ये देखिए ये तो धूप के पौधे हैं, पर इतनी भी धूप नहीं चाहिए कि इनकी पत्तियाँ ही जल जाएं। 5 घंटे की इन दिनों की धूप इनके लिए काफ़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो पत्तियाँ बर्न हो जाती हैं। आप देख सकते हैं ये पत्तियाँ, थोड़ी देर के लिए पॉट मैंने चेंज करने के लिए निकाला, हालांकि धूप नहीं है पर टेम्परेचर इतना हाई है कि पत्तियाँ साइड से देखिए आप सारी मुरझा गई हैं। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपका पॉट ऐसा है कि पूरे दिन की धूप ले रहा है, तो आप प्लीज़ उसे ऐसी जगह कर दें जहाँ पर 5-6 घंटे की धूप मिल पाए, ज़्यादा ना मिले, क्योंकि उससे भी आपके पौधे ख़राब हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय। अगर और कोई आपके पास क्वेरी है या कोई कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।